बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइजेशन इन द स्टमक। हमारा जो है 12वें चैप्टर का आज 5th लेक्चर है और हम बात करेंगे स्टमक के अंदर। एक्चुअली हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जब स्टमक की बात आती है तो दिस इज एन ऑर्गन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका फंक्शन बताएं। ठीक है जी, तो इसके लिए चलिए चार इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, एक तो क्या बनेगी, दैट इज द लोकेशन ऑफ। वैसे तो अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन कहें तो ये एक है, हम कहेंगे इट इज द सैक लाइक इलास्टिक सैक ऑर्गन मेड अप ऑफ 3 layers एंड इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसके और भी इसके काम है। सिंपल डेफिनेशन तो ये होगी कि ये एक थैली है जो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, 3 layers की बनी होती है, हम बात करेंगे अभी स्ट्रक्चर के अंदर। और उसके अलावा इसका फंक्शन है जी खाने को हजम करना, खाने को प्रोटीन्स को खाने को वावा देर के लिए होल्ड करके रखना, और फूड की हम भी इसके फंक्शंस के अंदर तीनों बातें करेंगे। तो उसके बाद जब ये डेफिनेट फिर आ जाती है जनाब इसकी लोकेशन के, जनाब ये कहाँ पे है, तो बेटा इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे अंडर द लास्ट 2 ribs इन द एब्डोमिनल कैविटी। सही है, अगर आप लेफ्ट साइड से मुराद होता है जो लाइन हमें बराबर में 2 parts में डिवाइड करती है उसे मिड लाइन कहते हैं, उस लाइन की खब्बी जानब। ठीक है, और ये एक सैक लाइक ऑर्गन है, एक थैली सी है जो लास्ट 2 ribs की प्रोटेक्शन के अंडर पड़ी हुई है। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई इन द एब्डोमिनल कैविटी, इसका मतलब है डायफ्राम से नीचे होगी, डायफ्राम के ऊपर नहीं होगी। सही है जी मौल साहब। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात, तो मैं आपको स्ट्रक्चर साथ साथ उसकी डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो फर्ज किया जनाब ये आ रही है ईसोफेगस, ये क्या आ रहा है, ईसोफेगस, और हियर कम्स द स्टमक, देन थोड़ा सा मतलब ऐसा ही होता है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन ना। सही है जी, इसके अगर हम बात करें तो 3 parts हैं, दिस इज द कार्डियक, क्योंकि ये इस तरफ दिल होता है तो ये दिल की साइड पे है, इसको कहते हैं बॉडी और इसको कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं जी, जो पाइलोरस होता है वो, यानी आगे जो खुलना है आप ये समझें ये वाला हिस्सा, और इधर ये जो सुराख है अगर इसके आगे ड्यूडिनम शुरू होनी है तो यहाँ इस सुराख के ऊपर यहाँ एक चीज़ होती है स्फिंक्टर। क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक का स्फिंक्टर का मतलब होता है वो ओपनिंग जो मसल्स की मदद से कंट्रोल होती हो, यानी उसको बंद या खोला जा सकता हो। सही है, तो दिस इज व्हाट वी से दैट नहीं, स्फिंक्टर्स वॉलंटरी भी होते हैं, इनवॉलंटरी भी होते हैं। वॉलंटरी मसला एनल स्फिंक्टर विच इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर जो यूरिथ्रा की बेस पे होता है, हाँ, इसके अंदर हम कहेंगे कि ये वाले जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं। आपने वो दरमियान में कहा था, मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं कि ये इनवॉलंटरी ही होते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो स्फिंक्टर हम कहेंगे दिस इज द ओपनिंग गार्डेड बाय सर्कुलर स्मूथ मस्कल्स। ठीक है जनाब,
ये दो होते हैं, एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है और एक जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इसका मकसद होता है इट अलाउज द एंट्री ऑफ द फूड इनटू स्टमक एंड प्रिवेंट्स द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम दैट, यानी बैक फ्लो को रोकना। इधर देखें जनाब, बैक फ्लो को रोकना यानी खुराक वापस इसोफेगस में ना जाए, सही है। और जब ये बंद ही होता है, हर वक्त बंद होता है, जब आप खाना खाते हैं, जब वो जो बोलस शरीफ है वो यहां पहुंचता है ना इसकी दीवार इसके आगे पास करके, तो ये उसी वक्त खुलता है। कई दफा ये ना खुले, सम टाइम बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, इसे रीगर्जिटेशन कहते हैं। बच्चे इसोफेगस से पहले ही खुराक को वापस फेंक देते हैं, वो आगे नहीं जाता। समझ आ गई जी बात की? और अगर स्टमक तक जाके खुराक वापस आ जाए तो इसे वॉमिटिंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस, सही है जी। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है, अगर आपने खाना खाया वावा सा रखा लिया ना, पेट भर गया, बस स्टमक गुब्बारा फूला पड़ा है। सिमिलरली आपने जनाब या फैट वाली ज्यादा खुराक खा ली, सही है, सम टाइम, यानी इसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न देखिएगा स्पेलिंग क्या है, HEART, हार्ट बर्न, ठीक है, सही है। इसको डिस्पेप्सिया भी कहते हैं ना, दिस इज द प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, क्या, ओके, बट इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिस्पेप्सिया क्योंकि स्टमक की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। खैर ठीक है, इधर देखें, इसमें होता क्या है, कभी कभार आपने खाना खाया यानी तो आपने कार्डियक स्फिंक्टर जो है ना मसल का वो मतलब उतना पावरफुल नहीं है, या इस वक्त आपने खाना ज़्यादा खाया हुआ है, या आप खाना खाने के बाद सीधे लेट गए, ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि आपने फैट वाली फूड और ऐसी खुराक ज़्यादा खाई है जिससे बहुत ज़्यादा जो मटेरियल, अब होता क्या है कि सम टाइम ये थोड़ा सा ऐसे मतलब वो हो जाता है, खुल जाता है और थोड़ा सा खाना यहाँ इसमें बार बार ऐसे मूव करता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेजाबियत टाइप जलन टाइप पेन होती है चेस्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी से दैट द क्या कहते हैं उसको, दी हार्ट बर्न। तो ये आपको पता लग गया कि दिस इज दी हम कहेंगे बर्निंग, या हम इरिटेशन या बर्निंग या पेन विच इज इन द इसोफेगस ड्यू टू द हम कहेंगे री यानी स्टमक से खाना वापस आ गया है, इसको हम प्रॉपरली रीगर्जिटेशन नहीं कहते, लेकिन हम क्योंकि रीगर्जिटेशन होती है पहले ही वापस आ जाना। अच्छा खैर इधर देख, आइडिया हो गया ना इस बात का। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खुलता है, अबाउट 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के दरमियान, और थोड़ी सी खुराक को आगे भेजता रहता है, तो बाकी खुराक स्टमक के अंदर पड़ी रहती है वावा देर तक जब तक वो खाली नहीं होता। अभी डिस्कस करते हैं, इधर देखें जनाब, तो आपको लग गया सबसे पहले इसका जनरल स्ट्रक्चर एनाटॉमी पता लग गई कि स्टमक के जो है इतने पार्ट हैं, इसके इतने सुराख हैं और ये काम करता है। अब अगर हम डिटेल्स इसकी पढ़ें तो इसका जो ये वाली जो दीवार है स्टमक की, इस दीवार को हम देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। नंबर 1 लेयर्स इज व्हाट वी से द आउटर मोस्ट, ये बनी होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की, किस चीज की बनी होती है, और जो इसके अंदर यानी इसके अंदर वाली लेयर होती है वो बनी होती है मसल्स की, स्मूथ मसल्स की, किस चीज की, और इसमें दो लेयर्स होती हैं, इसके अंदर जो एक लेयर है जो बाहर वाली है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी वो लंबे लंबे चलते हैं इस तरह, और एक होती है सर्कुलर, समझ गए ना बात को, यानी ये फर्ज किया अगर हम ये देखें ये स्टमक है तो ये जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये जो मसल्स हैं ये क्या है सर्कुलर, समझ रहे हैं ना बात को, तो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, सही है जी। और जो अंदर वाली लेयर होती है तीसरी, उस तीसरी लेयर का नाम मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसकी डिटेल जो है मैं बताता हूं। तीसरी लेयर होती है बेटा हम कहेंगे इसको सीरोजल लेयर कहते हैं, ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है एपिथेलियल या स्लैश ग्लैंडुलर टिश्यू, अब आप समझ गए ग्लैंडुलर टिश्यू,
ये जो ग्लैंडुलर लेयर है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्लैंड मुख्तलिफ तरह के होते हैं बेटा। ग्लैंड होता क्या है? एनी ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो कि ऐसे गोल गोल होते हैं, उन्हें कहते हैं एस्कस ग्लैंड, यानी वो ऐसे, यानी उसके अंदर इस तरह छोटी छोटी, जिस तरह स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और इस तरह राउंड राउंड। कुछ ऐसे होते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स, यानी अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा इसका हिस्सा बनाऊं तो एक लंबी सी ट्यूब होती है, समझ रहे हैं ना बात को, और ये ट्यूब सेल्स की ही बनी होती है, सही है। इवन इसका आगे एक छोटा सा लाइक, समझ रहे हैं ना बात को आप, तो आप इसको भी यहाँ सारे सेल्स बनाएंगे और इसमें तीन डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, सही है जी। इनमें एक सेल्स है जिनको हम जाइमोजिन सेल्स कहते हैं। अच्छा, ये तीनों के अंदर, तीनों का काम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें तीन तरह के सेल्स हैं। नंबर वन जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज पेराइटल, क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स। ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, म्यूक, थोड़ा इधर ना लिख दूं, जो पेराइट, ये यहां पे इसकी डिटेल है, ठीक है। जो पेराइटल सेल्स हैं दे प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस क्या है? इट इज, आप जानते हैं, इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस जो कि थोड़ी गाढ़ी होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, प्रोड्यूस बाय स्टमक के केस में इन सेल्स, वैसे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में और भी सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स जिनको हम गॉबलेट सेल्स वगैरह कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं जाइमोजेन सेल्स, समझ आ गई बात की। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस पेप्सिनोजेन। पेप्सिन एक एंजाइम है, ये वो प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस समथिंग एल्स ना, म्यूकस सेल्स, जो देखे पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, यानी इनको हम कहते हैं म्यूकस सेल्स, दे प्रोड्यूस म्यूकस। और जो जाइमोजिन सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन। ये तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये स्ट्रक्चर के साथ साथ, पहले मैंने तीनों लेयर्स भी बता दी हैं, ठीक है, और इन तीनों लेयर्स के अलग अलग फंक्शन बता देता हूं। ये तो सिंपल कवर करती है, सिंपल सी बात है, बाहर वाली साइड से। इस लेयर का काम होता है चर्निंग ऑफ द फूड, क्या, खाने को ऐसे ऐसे दबाना, मिक्सिंग करना, और गैस, और इस लेयर का काम होता है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना। ये यहां तक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। क्या था स्ट्रक्चर में, क्या था, सबसे पहले स्टमक, पहले लोकेशन पता लग गई, फिर स्ट्रक्चर आपने देखा, आपने देखा जी उसमें ये पार्ट है, फिर उसकी तीन लेयर्स हैं, ये इस तरह की बनी हुई है, और इन तीनों लेयर्स का काम ये है, एक का काम प्रोटेक्शन करना, दूसरे का काम मैस्टिकेशन करना, यानी मैस्टिकेशन नहीं, चर्निंग करना, और तीसरी का काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना। क्यों? उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं जो मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाते हैं, और इन तीनों चीजों को मिला के क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यहां से स्टमक का फंक्शन आ जाता है, ठीक है जी। जब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज, इधर देखें, गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन है, तब हमें पता लगेगा कि वो ये, यानी गैस्ट्रिक जूस में इन तीनों चीजों का क्या क्या फंक्शन है, इन तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन बनेगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा साइड पे मैं स्टमक के फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम इसकी बात करें तो जो HCl होता है ना बेटा, मैं वहां बना देता हूं यहां पे, सही है। तो HCl का काम होता है, नंबर वन फंक्शन ऑफ HCl होता है pH मेंटेन करना। स्टमक के अंदर 2 से 3 के दरमियान pH होती है, इधर देखें, सही है, वो ये एसिड है, एसिडिक pH है, 7 से नीचे, तो स्टमक HCl मेंटेन रखता है। दूसरा ये क्या करता है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया मैक्टीरिया हम खाने में खाते हैं उनको ये मार देता है, और खुराक जो है वो नुकसान नहीं करती, अनटिल उसमें कोई जहर ना हो या वो बहुत ज्यादा जहरीली ना हो, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ना हो। तीसरे नंबर पे इसका काम होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड,
खाने को ये जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी करता है। और आखिरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है, अगर आप गौर करें तो वो मैं आपको चौथा फंक्शन इस पेप्सिनोजिन के काम के बाद बताता हूं। वो ये है, जो पेप्सिनोजिन होता है ना बेटा, इसका काम होता है, ये है इनएक्टिव। क्या है ये? क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। ये काम नहीं कर सकता। इधर देखें। और इसको काम करने के लिए पेप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। और पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन्स को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, यानी पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और यही काम हम कहेंगे फंक्शन ऑफ द स्टमक में। पहला काम क्या है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एंड यानी प्रोटीन्स को किस शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है? पॉली पेप्टाइड्स के अंदर। और ये काम स्टमक करता है। इधर देखें कैसे करता है, क्योंकि स्टमक में एक एंजाइम है जो इन जाइमोजिन सेल्स से प्रोड्यूस होता है। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजिन। वो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव जब किया जाएगा तो वो पेप्सिन बन जाएगा, और पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा। और ये काम, इसको एक्टिव करने का काम भी HCl ही करता है। इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजेन। समझ आ गई? और गैस्ट्रिक, अच्छा मैं तीनों चीजें पढ़ा के तो फिर बताता हूं, सही है ना? HCl का फंक्शन समझ आ गया क्या? HCl का फंक्शन समझ आ गया बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज है, पेप्सिन का फंक्शन भी समझ आ गया आपको। तीसरी चीज है म्यूकस। म्यूकस का दो काम होते हैं, एक तो मिक्सिंग करना, एक लिक्विड सा मटेरियल यानी लिक्विड सा इन्वायरमेंट देना ताकि खुराक प्रॉपरली मिक्स हो जाए। दूसरे नंबर पे म्यूकस का काम होता है, देखो ना, पेप्सिन है गोश्त को हजम कर रहा है यानी प्रोटीन्स को हजम कर रहा है, तो स्टमक की अपनी दीवारें भी तो मसल्स की बनी है ना, तो उनको भी तो डैमेज हो सकता है। या इवन स्टमक की जो ये ग्लैंडुलर लेयर है, ये भी तो सेल्स की बनी है ना, सेल्स में प्रोटीन होती है ना, ये उनको भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस उसको कवर कर लेता है, ठीक है, अंदर की दीवारों को, ताकि वो जो HCl या पेप्सिनोजिन दोनों का नेगेटिव इफेक्ट स्टमक के ऊपर ना पड़े। सही है? तो ये तीनों चीजों का काम आपको समझ आ गया, और इन तीनों चीजों को हम मिला के क्या कहते हैं, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजिन, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। एक बात और याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस कभी कभार, ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हम खाना देखते हैं या खुशबू उसकी स्मेल करते हैं, प्रोटीन्स वाली फूड की। इसलिए कहते हैं सुबह नाश्ता करके जाना चाहिए। अगर आप नहीं करके जाते तो आप रास्ते में कहीं समोसा देख लें या चनों की खुशबू आ जाए तो आपका गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो खाना तो मिलता नहीं, तो वो गैस्ट्रिक जूस आपको खुद डैमेज करना शुरू कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नाश्ता करना चाहिए, खाली पेट सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए कॉलेज या स्कूल मकूल, ठीक है जी। तो ये आपको लग गया पता कि फंक्शन जो है ना जी, स्टमक का खुर। अच्छा, जब ज़्यादा, कई दफ़ा हम सिर्फ चिकन खा रहे होते हैं या कई दफ़ा हम सिर्फ गोश्त खा रहे होते हैं या कुछ और ऐसा खा रहे हैं जिसमें हाई प्रोटीन होती है, जब ज़्यादा प्रोटीन होती है ना तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा चाहिए होता है। तो स्टमक की दीवारों से ही एक हार्मोन निकलता है, एंजाइम नहीं, क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन क्या करते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, उनको तेज करते हैं या कम करते हैं। तो जो हार्मोन है उसका नाम है गैस्ट्रिन। क्या? यानी अगर ज्यादा एनर्जी की डाइट हो, ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट होगी तो द गैस्ट्रिन विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टमक, और वो ज्यादा ज्यादा गैस्ट्रिक जूस मंगवाएगा भी, और लाओ और प्रोड्यूस, इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, क्या, दी गैस्ट्रिक जूस ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करो। तो आपको आइडिया हो गया, तो स्टमक का पहला काम है प्रोटीन्स की डाइजेशन, नंबर दूसरा काम है दी मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड चर्निंग ऑफ द फूड, उसको पेस्ट बना देना। वो जो पेस्ट बनती है ना स्टमक के अंदर, उसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? CHYME, कायम, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्टमक का काम होता है होल्डिंग द फूड। इसका फायदा क्या होता है? अगर हम मुसलसल, अगर हम स्टमक हमारा खाने को रोक ना सकता होता,
तो हमें बार बार खाना पड़ता, भूख लगती, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता, थोड़ा 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 करके, ज्यादा अचानक ना खा सकते। अब क्या है, हम आराम से एक दफा फिलिंग करते हैं, फिर आप निकल लेते हैं, फिर अपना काम घूम करके आ जाते हैं। तो स्टमक असल में ये, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फीडिंग। अगर हम, हमारा स्टमक ना हो तो हमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक थोड़ी देर के लिए स्टोर को, फूड को होल्ड रखता है, स्टोर करता है, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे भेजता रहता है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्टमक। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें।